अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रीम है और आज मैं आपके साथ अपने हेयर फॉल के बाद होने वाली हेयर ग्रोथ की एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसा है कि जैसे हम सब जानते हैं कि हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, जिस्म में कुछ मिनरल्स की विटामिंस की कमी के बायस भी होता है, और बहुत सारी डिजीज़ भी ऐसी होती हैं जिसके बाद हेयर फॉल का बहुत सारा सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पिछले चंद सालों में COVID-19 और डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हैं और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। मैं भी उन इफेक्टिव में से एक रह चुकी हूँ। लास्ट ईयर मैंने ना सिर्फ कोविड फेस किया है और डेंगू फीवर भी फेस किया। उसके बाद होने वाला हेयर फॉल वॉज इनॉर्मस, इतना ज़्यादा हेयर फॉल कि मैं बंचेस की बंचेस उतार रही थी ब्रश के साथ, और बालों की अटकें जिसे आप टैंगल्स कहते हैं खोलने में मुझे घंटे से ज़्यादा लग जाता था। ये मैं विदाउट एनी एग्जैजरेशन बता रही हूँ कि बाल जो टूटे हुए हैं रेगुलर नॉर्मल बालों में फंस के, जिस टाइम पे आप उसको इंटेंगल टैंगल्स को खोल रहे होते हैं, घंटे से ज़्यादा मुझे लग जाता था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, स्पेशली व्हेन आई सॉ द बॉल्डनेस पैचेस अपने बालों के अंदर, स्कैल्प के अंदर गंजपन के जो मुझे पैचेस नज़र आए। उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शन, चाहे वो हेयर ऑयल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हो या मेडिसिंस की फॉर्म में हो। आई वॉज रेडी टू डू एनी थिंग। मैंने बहुत सारी ओवर द काउंटर चीज़ें ट्राई भी की लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर लकीली मुझे थ्रू सम फेसबुक एड एंड थ्रू सम रिकमेंडेशन ऑफ माई रिलेटिव्स हर्ब इन्फ्यूजन की प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। मैंने उनको यूज़ किया। एज़ यूजल मुझे उसको यूज़ करके इनिशली एक दो वीक्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन इनके जो हर्बलिस्ट हैं वन ऑन वन इंटरेक्शन में रहे हैं मेरे साथ, डिस्कशन में रहे हैं, ही मेड श्योर दैट आई यूज़ दिस प्रोडक्ट रिलीजियसली। और मैंने इसको तकरीबन 4 वीक्स यूज़ करने के बाद रियलाइज़ किया कि मेरा हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है, और ना सिर्फ कम हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल रुक गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह माई हेयर फॉल हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड। ना सिर्फ मेरा हेयर फॉल रुका है बल्कि मेरे बालों की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ा है, उसकी शाइन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, और थिकनेस भी बहुत इम्प्रूव हुई है। तो आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर दिस प्रोडक्ट एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर द पर्सन हु मेड इट। मेरे हेयर फॉल का के जितने भी मसाइल थे हेयर रिलेटेड वो सब इस प्रोडक्ट से हल हो गए हैं माशाल्लाह से, और आई वुड हाईली रिकमेंड to anyone who is facing any sort of hair problems.